So hello guys, let us start the solutions of section 2, first paper of JEE Advanced 2021. तो एक strong recommendation आपको ये देना चाहता हूँ कि अगर आप नए हैं और अभी आप अपने JEE Advanced की further preparation शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए chemistry के लिए मैं best platform आपको बता रहा हूँ. आप इस app पर जाएंगे, ChemIIT app, इसका link आपको description में मिलेगा. अगर आपको सच में रियल जेई एडवांस लेवल की तैयारी करनी है, रियल जेई एडवांस लेवल की तैयारी करनी है प्रॉपर कंसाइज्ड टॉप नॉच लेवल कंटेंट के साथ विदाउट एनी टाइम वेस्ट, ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा चांस है. एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में आप ये काम कर सकते हैं. तो बिल्कुल समय जाया ना करें और सीधे दिमाग लगा के यहाँ पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कंप्लीट कोर्सेज आपको वहां मेरे मिल जाएंगे. चलिए तो शुरू करते हैं इसके सॉल्यूशंस. सेक्शन टू की बात करी जाए, न्यूमेरिक टाइप है, अच्छा है ये. अब ये एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ये भी इसमें भी एक बढ़िया ट्रैप था. चलो देखते हैं करके. सबसे पहले हमने यहाँ पर यूज़ किया है मैग्नीशियम कार्बाइड, और मैग्नीशियम कार्बाइड में डाला गया है पानी. तो जब मैग्नीशियम कार्बाइड में पानी डलता है तो आप सभी को पता है कि क्या है, ये प्रोपाइनाइट टाइप का कार्बाइड है, C3-4-, जब पानी डलता है तो ये बना लेता है C3H4, विच इज़ प्रोपाइन गैस. तो पहले तो मैं प्रोडक्ट लिखता हूँ, फिर कैलकुलेशन वाला काम फिर किया जाएगा. तो ये बनेगा C3H4, दैट इज प्रोपाइन गैस बन गया. चलिए अच्छी बात है, ये प्रोपाइन बन गया. एंड आफ्टर दिस NaNH2 यूज किया जा रहा है. चलिए मैं थोड़ा स्पेस लेके आपको बता देता हूँ. NaNH2 यूज किया जा रहा है प्रोपाइन के साथ. सो NaNH2 क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा और यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन है उसको निकाल लेगा. ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसको निकाल लेगा, अनायन बनाएगा. ये कुछ इस तरह से अनायन बनाएगा, -Na+. एंड नाउ आफ्टर दैट इसका रिएक्शन कराया गया है मिथाइल आयोडाइड के साथ. अभी वो परसेंटेज कॉम्पोजिशन छोड़िए, अभी बस ये देखिए कि कब क्या बनेगा. तो जब मिथाइल आयोडाइड के साथ आप ट्रीट करेंगे, आपको पता है कि यहां बनने वाली चीज ब्यूट टू वाइन है. एंड नाउ इसके बाद द वेरी फेमस रिएक्शन रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ जब यहाँ रिएक्शन कराया जाएगा तो क्या बनेगा बेटा. जब आप रेड हॉट आयरन ट्यूब में इसको डालेंगे, ये ट्राइमराइज करता है, और जब यहाँ एसिटिलीन गैस लेते हैं तो बेंजीन बनता है. कुछ इस तरह से ट्राइमराइजेशन होगा इसका. जब आप एसिटिलीन गैस लेते हैं तो बेंजीन बनता है. यहाँ पर आप ब्यूटवाइन ले रहे हैं, ये ऐसा ट्राइमराइजेशन होगा. यू कैन सी वेरी क्लियरली इट विल फॉर्म 1, 2, 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 हेक्सा मिथाइल बेंजीन ऐसा कुछ बन जाएगा. देखिए ऐसा बनेगा कुछ बेंजीन, ये एरोमेटिसिटी तो आ रही है यहाँ पर, और हेक्सा मिथाइल लाइक दिस ये बन जाएगा. ये है आपका अंतिम प्रोडक्ट. अब ये तो मैंने मैकेनिज्म वगैरह बताया, अभी कैलकुलेशन भी करना है इसका, कैलकुलेशन भी करना है, तब मिलेगी एक्स की वैल्यू, ये एक्स ग्राम तब मिलेगा. अब इसमें बता रहा हूँ गलती कहाँ पे करते हैं बच्चे, किए भी होंगे, निश्चित किए होंगे, वही ट्रैप है इस क्वेश्चन में. अब देखो ये पी जो है ये 4 ग्राम आपके पास है. अब इसका सबसे पहले मास निकालोगे C3H4, तो बिल्कुल क्लियर कट 40 ग्राम उसका मोलर मास है. तो ये आपके पास था 0.1 मोल, ठीक है, ये था आपके पास 0.1 मोल. क्लियरली दिस इज 0.1 मोल. अब 1 मोल से इसका 1 मोल ही बनेगा, क्योंकि पहले एसिड बेस रिएक्शन होगा, मिथाइल आयोडाइड आएगा, तो इसके 1 मोल से इसका 1 मोल ही बनेगा. और ये यील्ड आ रही है 75% की, तो ये कितने मोल बना, तो ये बना 0.1 इंटू
75%, दैट इज 0.75। ये इतने मोल्स इसके बने। और इसके बाद यहां पर अगर आप देखें तो ये बन रहा है 40%। तो जल्दी जल्दी में बच्चे क्या कर सकते हैं, इसमें ऐसा कर सकते हैं 0.1 इंटू 0.75 इंटू 40% 0.4। बट ये गलत है। अब इसमें क्या करना होगा, देखिए आप यहां ट्राइमराइजेशन हो रहा है बेटा, ये तीन मोल से ये एक मोल बन रहा है। तीन मोल से अगर ये एक मोल बना है तो इतने मोल से ये बनेगा 1/3। एक मोल से 1/3 बनेगा, तो इतने मोल से नॉर्मल बेसिक स्टोइकोमेट्री ही है। बट बच्चे गलती कर सकते हैं उस जगह पर, मैं ये बताना चाहता हूं। तो इतने मोल्स आपके इसके बने। अब बताना क्या है, बताना है कि x की वैल्यू क्या है जो कि ग्राम्स में है। तो ये आपसे कमबख्त इसका मोलर मास निकलवाना चाह रहे हैं, निकाल लीजिए, बड़ी बात नहीं है। वैसे क्या है, कार्बन 6 है और मिथाइल लगा हुआ है। कितने मिथाइल हैं, मिथाइल भी 6 है। कार्बन के साथ डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन तो है नहीं, तो ये मास हो जाएगा तुम्हारा 72 प्लस CH3 कितना होता है 15, तो ये हो जाएगा 90। सो दिस इज 162 इज द मोलर मास, 162 ग्राम्स पर मोल इज द मास ऑफ दैट एरोमेटिक कंपाउंड। तो इतने मोल्स के लिए क्या मिलेगा, ये काटो पहले, तो 0.25 हुआ इधर एंड 0.25 अब मल्टीप्लाई करना है बिल्कुल। सो दैट विल बी 0.25 इंटू 0.04, दैट इज 25 इंटू 4 बाय 100 इंटू 100, समथिंग लाइक दैट। 100 इंटू 100 दैट इज 100 बाय दिस, दैट इज 0.01 मोल्स। तो ये अल्टीमेटली है 0.01 मोल्स और ये इसका मोलर मास है। तो ये एक्चुअली में जो x की वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 1.62 ग्राम्स। और यही एक एक्सेप्टेबल आंसर है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई रेंज दिया होगा, क्योंकि कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, स्पष्ट चीज़ें कट जा रही हैं और आंसर है 1.62। ओके, सो दिस इज द आंसर। अब इसी में y भी निकालना है। तो यहाँ समझ में आया कहाँ पे एक सिली मिस्टेक हो सकती है। ये चीज़ ऐसी है कि आपको पता है, बट क्या है ना, जनरली जब ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा स्टोइकोमेट्री पे ध्यान नहीं होता है और उस वजह से ये गलती हो सकती है। अब सेम अब नीचे आना है। अब मैं प्रोडक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर क्या बनेगा, नॉर्मल हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है ये, चलिए इधर ही लिखते हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन है। और जब आप हाइड्रेशन करते हैं एल्काइन का, कैटलिटिक इफेक्ट होता है यहाँ पर Hg2+ का, देन यू गेट एसीटोन मिलेगा यहाँ, एसीटोन, सिंपली एडिशन फॉर्मेशन ऑफ दैट इनॉल एंड टॉटोमेरिज्म फॉलो करता है, बीच में ब्रिज कैटायन बनता है, Hg2+ का इफेक्ट वो होता है, वो फर्दर रिएक्शन है। हर एक रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बता सकते यहाँ, वो आपको अपनी कॉपी से पढ़ना पड़ेगा। हाँ, हिंट दे सकते हैं कि हाँ ये वाला मैकेनिज्म यूज हुआ है, ये हिंट जरूर दे सकते हैं। चलिए अब क्या किया जाए, इसके बाद बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ हीट किया गया, ये एल्डोल है, सबको पता है दिस इज एल्डोल, एसीटोन का एल्डोल कर लीजिए, लीजिए बना लीजिए एल्डोल एसीटोन का, क्या बनता है, ऐसा कुछ होता है, सी डबल बॉन्डो इनोलेट बनाते हैं आप, एंड देन ये अटैक करते हैं, ओपन करते हैं, 1, 2, 3 डबल बॉन्डो, फिर ये कार्बन इधर जुड़ता है ऐसा, और यहाँ आ गया OH और ये 2 मिथाइल, लाइक दिस। एंड हीट भी हो रही है, तो इधर आप फिर इवन CB एलिमिनेशन करते हो, इधर से पानी निकालते हो, और पानी निकाल के कुछ यू आपका प्रोडक्ट हो जाता है। तो चलिए ये एल्डोल हुआ, और एल्डोल होने के बाद फाइनली आपके पास ये है डबल बॉन्डो, देन दिस दिस, एक कार्बन, 2 कार्बन एंड एक ये कार्बन आपके ब्रांचिंग में आ गया ऐसा, और ये दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन विच इज जेन्युइन प्रोडक्ट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं एस से टी में, और फिर ये है आपका आइडो फॉर्म, जैसा
क्लोरोफॉर्म है ना, ये क्लोरोफॉर्म फॉर्मेशन करेगा, ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइज करता है आपके मिथाइल कीटोन्स को, सिंपल बोर्ड लेवल रिएक्शन है ये। तो NaOCl, और यहाँ था आपका बेरियम हाइड्रोक्साइड, एल्डोल कंडेंसेशन भी बहुत सिंपल पूछा गया है, बोर्ड लेवल का है ये भी। तो NaOCl के साथ आप ट्रीट करेंगे तो दो चीज़ें बनती हैं, एक तो क्लोरोफॉर्म बनता है और साथ ही साथ ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। अब यहाँ पर दो कहानियाँ हो सकती हैं, क्या दो कहानियाँ हो सकती हैं बता रहा हूँ। देखो, एक ऐसा करके बच्चा अगर ऐसा करे कि O माइनस Na प्लस लिखे, ये भी ठीक बात है, ये ज़्यादा ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए कोई बच्चा गलती से ऐसा लिख दिया, दिस डबल बॉन्ड O, दिस 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 ऐसा OH, तो अब आप इसमें किसको सही मानेंगे? क्योंकि देखो ये छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा परवाह हम करते नहीं हैं, हम कभी कभी मान लेते हैं कि पानी में ही इतनी शक्ति है कि वो इसको H प्लस दे दे रहा है और ऐसा हो जा रहा है, मान लेते हैं, और उसमें कोई बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव डिबेट नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑल दो फिर वो के वैल्यूज़ के हिसाब से बात करें तो ठीक है, बट कोई बहुत कंक्लूसिव डिबेट नहीं किया जा सकता। हाँ, यहाँ बोलेंगे आप कि नहीं सर, सॉल्यूशन थोड़ा बेसिक है, सॉल्यूशन थोड़ा बेसिक है तो फिर ऐसा होना चाहिए। हाँ, मैं भी इसी फेवर में हूँ, ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल सॉल्यूशन बेसिक है, हाइपोक्लोराइट आयन भी है, वो अपनी हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया करेगा तो सॉल्यूशन थोड़ा बेसिक रहेगा। अब बट अब कोई बच्चा बोल रहा है सर मैं ऐसा लिख दिया, अब इतनी छोटी सी बात में थोड़े ना आप मार्क्स काट दोगे, ऐसा है वैसा है, तो दोनों ही मान लिया जा सकता है। और शायद ऑफिशियल आंसर की में मैंने देखा दो आंसर रेंजेस दिए हुए हैं, तो शायद उन्होंने भी दोनों को माना है, तो सही तो ये होना चाहिए था, बट कोई बहुत बहुत बड़ी गलती नहीं है ये। लेकिन हाँ, आप जेई एडवांस से आप एक्सपेक्ट करते हो कि यार बहुत बारीकी से चीज़ों को लेके चलें, तो अगर बारीकियों को पकड़ के चलोगे तो ये ठीक है, ठीक है, क्योंकि सॉल्ट बनाए यहाँ पर कहीं भी H3O प्लस वगैरह दिया नहीं है, कि एसिडिफाई तो किया नहीं है, और बिना एसिडिफाइड वर्जन में जब रहेगा तो मेजर मात्रा में यही रहना चाहिए। चलिए, तो अब फिर से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, 0.1 मोल, ये 100% S, तो ये 0.1 मोल था और ये भी पूरा 0.1 मोल आया है। फिर जब आप एल्डोल करा रहे हो तो 80% मिल रहा है आपको। एक बात और देखिए, यहाँ पर ये डिकलराइजेस बेयर्स रिएजेंट देने का मतलब ये है कि क्योंकि साथ में क्लोरोफॉर्म भी बनेगा ना, और क्लोरोफॉर्म तो बेयर्स रिएजेंट को डिकलराइज नहीं कर सकता। बेयर्स रिएजेंट मतलब केमेनोफोर की बात हो रही है, ठीक है, तो केमेनोफोर के साथ एल्कीन जो है वो रिएक्ट कर सकता है, एंड देयरफॉर वो बेयर्स रिएजेंट सिर्फ इसलिए दिया है कि बच्चों को ये ना लगे कि क्लोरोफॉर्म भी तो हो सकता था। तो क्लोरोफॉर्म को हटाने के लिए आपको वो एल्कीन वाले प्रोडक्ट की बात कर रहा है, ऐसा है। तो चलिए, ये 0.1 था, अब ये 80% बना, तो 80% तो आप क्या बोलोगे, 0.1 का 80%, तो आप ऐसा करोगे 0.1 का 80% मतलब 0.8, बट फिर यहाँ पर स्टोइकोमेट्री वाली गलती हो जाएगी, क्योंकि बेटा दो मोल से बना है एक मोल, दो मोल से एक मोल बना है, तो यहाँ एक्चुअली बाय टू होना चाहिए, क्लियर है बात, स्टोइकोमेट्री के हिसाब से एक्चुअली बाय टू होना चाहिए, और यहाँ एक से एक ही बना है तो यहाँ कोई बाय टू वाला लफड़ा नहीं है। ये 80% है, तो सिंपली ये जो बना है आपका ये बनेगा 0.1 इंटू 0.8, ये मोल्स लिख रहा हूँ मैं, बाय टू इंटू 80%, दैट इज 0.8। सो दिस इज द मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट, ये इसके मोल्स हैं। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 0.4 हो जाएगा ये, तो कितना हो रहा है ये, 0.032 मोल्स हो रहे हैं क्या, 0.032 मोल्स, हाँ ठीक है, 0.032 मोल्स। अब आप अगर इसके मोलर मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इसी के साथ करके बता देता हूँ, इसका मोलर मास क्या आ रहा है, कार्बन कितना, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, C5, एंड ऑक्सीजन है 2, ऑक्सीजन है 2, हाइड्रोजन कितने हैं, इधर एक हाइड्रोजन है, 1, 3, 3, 7 हाइड्रोजन एटम्स हैं, है ना, मैं सही गिन रहा हूँ, इधर 1, 3, 3,
सात हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक सोडियम एटम है, मैं सोडियम को काउंट कर रहा हूँ। और इसके साथ अगर मैं जाऊँ तो जो मास आ रहा है, अब देखो बच्चा ऐसा भी बोल सकता था कि यहाँ सर देखो एच सी और ओ ही दिया हुआ है तो हमको लगा वो प्रोटोनेटेड मान लिया होगा, ये भी बात सही है, बुरी बात नहीं है, ये भी बात ठीक है, ये बोल सकता है वो कि हाँ सर यहाँ क्वेश्चन में ऐसा दिया था तो हमने वो छोटी सी चीज को नहीं मानी, देखो बोलने को वो भी सही है। ठीक है, तो आप दोनों के साथ कैलकुलेशन करिए, शायद उन्होंने दोनों आंसर को सही माना भी है। सो सी फाइव दैट इज 60 हो जाएगा, प्लस 32 प्लस 23, 23 प्लस 7, अब ये थोड़ा अच्छा सा नंबर लगता है, 30 आ जा रहा है, 22 प्लस 7, अब इसको मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने का काम मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग व्हाट यू विल गेट, ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 90 एंड दिस 122, सो 122 इंटू 0.032 मोल्स, यस ये वैल्यू आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 3.904, 3.90 शुड बी द रिपोर्टेड आंसर। ये आंसर आप रिपोर्ट करते तो ये भी सही आंसर है। एक और आंसर उन्होंने दिया है, शायद 3.2 का आंसर दिया हुआ है, 3.2, तो वो इसके साथ है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। इसके साथ अगर मास देखा जाए तो क्या मास आएगा इसका, C5H8 आ जाएगा, O2 रहेगा, है ना, तो मोलर मास में फर्क आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 60 प्लस 32 प्लस 8। अब बोलने को तो ये और बढ़िया है क्योंकि और बढ़िया राउंड ऑफ नंबर आ रहा है, 100 आ रहा है, तो अगर ये 100 आया तो आंसर 0.032, तो 3.2 ग्राम्स। सो बोथ आर एक्सेप्टेबल, आप किसी के साथ भी जा सकते हैं। ओके चलिए, तो ये हुआ पहला सवाल, सॉल्व एक्स और वाई की वैल्यू हमने बताई। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, और ये है एक थोड़ा कंफ्यूजिंग सा, बट उतना टफ नहीं मानेंगे, बट हाँ अगेन एग्जामिनेशन प्रेशर में ये क्वेश्चन भी अच्छा है, चलिए देखते हैं। इसमें क्या है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन को खतरनाक बनाने की कोशिश करी गई है, क्वेश्चन उतना खतरनाक बन नहीं पाया है बट वो दिखावा ही काफी है, वो देख के भी बच्चे आधे थोड़े घबराएंगे जरूर कि अरे अरे क्या है ये PZ/P0 उल्टा सा ग्राफ है, ये T(10^4)T है, फिर ये बहुत ही गंदा सा कुछ एक्सप्रेशन दे दिया है, तो ये बच्चे देखकर घबराएंगे इसको। ठीक है, बाकी कुछ खास है नहीं, ये कुछ नहीं, ये वॉन्ट आपका वॉन्ट ऑफ इक्वेशन का रूट फॉर्म दिया हुआ है और कुछ नहीं। अब आप इसी को करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें LNK=2, क्या मिलेगा ये 1/T हो जाएगा, Δh·(−RT+) अ कांस्टेंट सी इंटीग्रेट वगैरह करोगे तो ये यही मिलेगा, तो ये एक्चुअली में वॉन्ट ऑफ इक्वेशन ही है, तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही तो इसका कुछ काम है, आपको पता है वॉन्ट ऑफ इक्वेशन क्या होता है। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। अब ये एक इक्विलिब्रियम दिया हुआ है जहां इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सिंपली प्रेशर ऑफ जेट के बराबर होगा, PZ, ओके PZ के बराबर होगा, एंड देन द प्लॉट इज गिवन ऑफ PZ, PZ/P° वर्सेस 10^4/T, इसका प्लॉट दिया हुआ है। अच्छा, एंड P° इज 1 bar। अब आपको पता है P° का कुछ खास काम तो होता नहीं है, ये जब हम डिराइव करते हैं वो फॉर्मूलाज Δg=Δg°+RT ln K, तो वहां वो जो के होता है वो एक्चुअली में KP° होता है, पढ़ाया था आपको, यूनिटलेस है ना, वो यूनिटलेस होता है जिसके अंदर एक्चुअली वो PZ नहीं होता, के में क्या होता है PZ/P°, PZ/P° और P° एक्चुअली 1 bar हुआ करता है, ये सब डेरिवेशन में पढ़े हैं आप, तो ये 1 degree 1 bar का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। मैं स्पष्ट बताऊं, अगर ये PZ/P° जो है इसको आप LNK भी लिख सकते हो, ठीक है, दिस इज LNK। अब आ जाओ थोड़े फॉर्मूलाज की तरफ, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें Δh° और Δs° की वैल्यू बतानी है, दो पॉइंट्स में फिर है, Δh और Δs एट स्टैंडर्ड स्टेट्स आपको बताना है। तो सबसे पहले ना आप एक काम करो, याद करो मैंने वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आपको किस तरह से डिराइव कराया था,
वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, वो मैंने आपको केमिकल काइनेटिक्स में भी डिराइव कराया था, थर्मोडायनेमिक्स में भी कराया था, दोनों अलग अलग तरीके से कराया था। तो यहां मैं थर्मोडायनेमिक्स वाला तरीका आपसे पूछ रहा हूं। तो याद है आपको डेल्टा जी डिग्री इज माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। अब ये इसको मैं के इक्विलिब्रियम ही मान रहा हूं क्योंकि वो है के इक्विलिब्रियम। ओके, एंड देन आप ऐसा लिखा करते थे डेल्टा एच डिग्री माइनस टी डेल्टा एस डिग्री इज इक्वल्स टू माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम। और अब आप एक काम करो, माइनस आर टी से इसको डिवाइड करो। माइनस आर टी से जब आप इसको डिवाइड करते थे तब आपको मिलता था एल एन के इक्वल टू माइनस डेल्टा एच डिग्री बाय आर टी प्लस डेल्टा एस डिग्री बाय आर। कुछ ऐसा मिल रहा है? जी हाँ, यहां से ही वॉन्ट ऑफ इक्वेशन आया करता था, याद आ रहा होगा ये डेरिवेशन। तो ये फाइनल रिजल्ट हम थोड़ा सा यूज करेंगे अभी। अब देखो मैं थोड़ा इधर स्पेस बना लेता हूं और इसमें करता हूं। क्या फाइनल रिलेशन, मैं थोड़ा डिराइव करके भी दिखा दिया मैंने आपको, ये आता है एल एन के इज इक्वल्स टू डेल्टा एस डिग्री बाय आर माइनस डेल्टा एच डिग्री बाय आर टी अब यहां पर क्या बोला गया है, देखो आप ग्राफ को देखो, बहुत क्लियरली दिख रहा है ये 10 की पावर 4 बाय टी, थोड़ा अजीब सा फॉर्म है, वो जबरदस्ती इसको मल्टीप्लाई करा है बस और कुछ नहीं, मैथमेटिकल कॉम्प्लिकेशंस लाने के लिए। एक काम करो 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई आप भी करो, डिवाइड करो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये y इज इक्वल टू fx प्लस c के फॉर्म में दिख रहा है, ये तुम्हारा y है, स्पष्ट है ये। तो ln के y इज इक्वल टू mx, सो ये है तुम्हारा 10 की पावर 4 बाय टी, ये तुम्हारा x है। और स्लोप जो है अब दिख रहा है डेल्टा h डिग्री बाय R into 10 की पावर 4, यही है ना, ये देखो डेल्टा एच डिग्री बाय R into 10 की पावर 4, ये तुम्हारा X हो गया, प्लस C, और C है तुम्हारा डेल्टा S डिग्री बाय R। क्लियर है बिल्कुल? अब आप ये जो ग्राफ दिया हुआ है यहां से स्लोप बहुत इजीली निकाला जा सकता है, हाउ सिंपली, ये Y1 ले लो, ये Y2 ले लो, ये x1 ले लो, ये x2 ले लो। सो स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है y2 माइनस y1 दैट इज माइनस 7 प्लस 3 बाय x2 माइनस x1 दैट इज 2। सो स्लोप इज कमिंग आउट टू बी नेगेटिव 2 व्हिच इज जस्टिफाइड बाय द शेप एज वेल। सो स्लोप माइनस 2 है और ये वाला पोर्शन स्लोप है, तो इक्वेट कर दो, माइनस डेल्टा h डिग्री बाय r इनटू 10 की पावर 4 इज इक्वल्स टू माइनस 2। So very clearly you can see that delta H degree is actually 2 times R into 10 ki power 4. And ab R ki value aapko kis mein lene bola hai, question dekho ek bar. R ki value joule per kelvin bol raha hai, joule per kelvin. Lekin question mein aap dekhoge agar delta H ye pooch raha hai kilo joule mein. Kuch nahi, unit conversion hai, kaun si badi baat hai. So अब आप यहां पर अगर इसको रखते हो 2 इंटू 8.314 इंटू 10 की पावर 4, ये जूल्स में आएगा, आप किलो जूल में बदल दीजिएगा उसको, ठीक है, जूल पर केल्विन पर मोल, है ना। अच्छा, पर केल्विन पर मोल क्यों, इंथैल्पी की वैल्यू है ये, तो इंथैल्पी की वैल्यू है, जूल पर मोल ओनली, ठीक है, ये जूल पर मोल में आएगा। कितना आ रहा वैल्यू, ये आ रहा है 18, तो ये हो जाएगा 16.628 इंटू 10 की पावर 4 जूल्स में आ गया, तो किलो जूल्स में इट विल बी 1 किलो जूल्स डिवाइडेड बाय 1000 10 166.28 किलो जूल पर मोल विल बी योर रिपोर्टेड आंसर, 166.28 ये आपका आंसर है, 166.28। So that is the reported answer. यहां report कर देता हूं मैं, 166.28 ये answer है। थोड़ा बहुत range हो सकता है दिया हो, थोड़ा बहुत शायद calculation में, वैसे कुछ calculation में limits तो आनी नहीं चाहिए, ठीक ठाक तो है, direct ही आएगा ये।
क्योंकि आर की वैल्यू भी उन्होंने बता दी थी, तो मुझे नहीं लगता बहुत रेंज देने की ज़रूरत है, यही होगी एक्स की वैल्यू। डेल्टा एस डिग्री निकालना है, ध्यान रखें जूल्स में आएगा और 1000 केल्विन पे निकालने बोल रहे हैं आपको। डेल्टा एस डिग्री निकालना है, क्या करें? अरे अब क्या करना, आपके पास सीधा तो है ये माइनस आर टी, वही इक्वेशन लो ना यार जो हमने डिराइव किया अभी इधर, ये जो डिराइव किया जिसको यूज करके हमने किया, इसी को पकड़ो आप यहाँ, वो 10 की पावर 4 वो लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्या लिखा लो, एल एन के इज इक्वल्स टू डेल्टा एस डिग्री बाय आर माइनस डेल्टा एच डिग्री बाय आर टी, ये लिखो। डेल्टा एस डिग्री चाहिए, सभी वैल्यूज गिवेन है, देख लो टी भी 1000 है, सभी वैल्यूज गिवेन है, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। एल एन के देखो टी 1000 पे, टी 1000 मतलब 10 की पावर 4 बाई टी, कितना 10, तो टी टी 1000 होगा, टी 1000 होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे तुम्हारे एल एन के की वैल्यू क्या है? -3, तो एल एन के की वैल्यू -3 है, बस सॉल्व कर लो। -3 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस डिग्री बाय आर माइनस डेल्टा एच डिग्री विच इज 166 पॉइंट, कितना था ये 28, 166.28, अच्छा 0.28, अच्छा ये तो तुम्हारा उसमें था ना, किलो जूल्स में था, जूल्स में करो क्योंकि डेल्टा एस जूल्स में चाहिए। ऐसा कर लिए आर इंटू टी, अगेन ये बात वही हो जाएगी, ये 166.28 ही हो जाएगा, क्या बात है, क्योंकि ये 1000 है, ये 1000 से क्या, अब ये कैलकुलेशन वाला काम है यार, आप कर सकते हो उसको। सो हियर विल गेट डेल्टा एस डिग्री एस, अब ये आर भी हटाओ इधर, ये आर हटाओ, आर इधर भेजो, -3 × r, ऐसा बनेगा कुछ, -3 × r, -3 × 8.314 प्लस 166.28 इज इक्वल्स टू डेल्टा एस डिग्री। अब ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी 140-142 के आसपास आएगी, ठीक है, तो ये वैल्यू जो फाइनल रिपोर्टेड आंसर है वो है 141.34, ये रिपोर्टेड आंसर है। मुझे नहीं लगता इसमें भी कोई बहुत रेंज दिया होगा, क्योंकि नंबर्स बिल्कुल टू द पॉइंट हैं और आप आंसर ला सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये जूल्स में आ रहा है आंसर, सो 141.34 इज द रिपोर्टेड आंसर, और ये था 166.28। कैसा क्वेश्चन था? ठीक था, अच्छा क्वेश्चन था, जनरली वो स्ट्राइक नहीं करता है आपको, वांट ऑफ इक्वेशन बहुत बहुत जल्दी स्ट्राइक नहीं करता है। खैर मैंने वांट ऑफ का यूज़ नहीं किया, ना ही तो इसका यूज़ किया। दूसरी चीज़ जो भयानक थी इस क्वेश्चन में, वो अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े कच्चे हैं ना, अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े कच्चे हैं तो आपको छोटी छोटी बातों से भी काफ़ी डर लग जाएगा, अगर कुछ डरावनी सी चीज़ दिख जाएगी आपको डर लग जाएगा, क्योंकि क्यों आपके ग्राउंड ही कमज़ोर है ना। लेकिन अगर आपको पता है कि अरे ये तो वांट ऑफ का ही रूट फॉर्म है, उसके बाद आपको पता है कि हाँ पी जेड बाई पी डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सर ने के पी डिग्री जो बताया था हमको क्लासेस में ये वही है, तो यही है, ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसे इनडायरेक्टली बहुत हेल्प करती हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कॉन्सेप्ट को तगड़ा करो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं अच्छे से, सब्जेक्ट आपको आता है, तो आपका कोई भी ज़्यादा आपको क्षति नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। चलिए आगे देखें, कुछ और बचा है क्या क्वेश्चन? हो तो गया, अच्छा एक और बचा हुआ है, ये लिक्विड सॉल्यूशंस का क्वेश्चन है। कोशिश की है इन्होंने कि लिक्विड सॉल्यूशन जैसे चैप्टर से भी कुछ ढंग का पूछा जाए, कुछ हद तक सफल भी रहे हैं, देखते हैं। सो यहां पर क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एक्स डिग्री। फाइनली पूछा एक्स और वाई की वैल्यू है, तो ये तो बड़ा आसान लग रहा है सर। जी हाँ है भी आसान, ये सिंपली आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखना है, ये एक्स तो एकदम बोर्ड लेवल का है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट देखना है आई, एंड सिल्वर नाइट्रेट कंप्लीटली डिसोसिएट्स। अगर आपको कोई शक है तो यहाँ लिख भी दिया है कि जो भी सोल्यूबल सॉल्ट्स हैं वो पूरी तरह से टूट रहे हैं, और डेंसिटी वेंसिटी जो है वो सेम है, पानी की और ए बी सबकी सेम है, डेंसिटी में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है। पूरी तरह से अगर सिल्वर नाइट्रेट टूट
टूटेगा तो उसका वांट ऑफ फैक्टर, सॉरी हाँ वांट ऑफ फैक्टर कितना होगा, वांट ऑफ फैक्टर 2 होगा, तो वांट ऑफ फैक्टर 2 मल्टीप्लाइड बाय केबी, केबी इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच इज 0.1. लुक सच अ डल क्वेश्चन इट इज, सिंपली आप देखेंगे ये वैल्यू 0.1 आ गई है, तो कितना एलिवेशन हुआ, 0.1 का एलिवेशन हुआ. तो एक्स की वैल्यू इसमें ना हड़बड़ी में 0.1 मत रिपोर्ट कर देना, थोड़ा लैंग्वेज पढ़ लो यार. क्या बोल रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज एक्स डिग्री सेल्सियस. अब यहां पर भी क्लियर कट बोला है कि हाँ देखिए भाई बॉइलिंग पॉइंट को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 100 पॉइंट समथिंग समथिंग ये सब नहीं, 100 डिग्री मानना है. ठीक है, तो 100 डिग्री होता भी 100 डिग्री है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. तो ये 100 डिग्री मानना है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 100.1 डिग्री सेल्सियस. कोई रेंज नहीं मिलेगा आपको इसमें, सीधा स्पष्ट आंसर एक टू द पॉइंट 100.1, इसी को सही माना जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं. एक्स आ गया, ठीक है. मेन थोड़ा यहाँ खेला हुआ है वाई के साथ, क्या हुआ है देखिए. अब बोला जा रहा है इसी सॉल्यूशन ए में 0.1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन डाला गया है बेरियम क्लोराइड का. ठीक है, यहां बेरियम क्लोराइड डाला गया है, और जब बेरियम क्लोराइड डाला जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटना घट जाएगी, सिल्वर नाइट्रेट बेरियम क्लोराइड सिल्वर क्लोराइड बना डालेंगे. सिल्वर क्लोराइड इनसॉल्यूबल है, उसके आयंस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, क्योंकि वो जो सॉलिड है वो उस सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं है, वो छूटकर बाहर निकल चुका है. वो उस कंटेनर में अंदर पड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि वो सॉल्यूशन का पार्ट है, ये बातें तो पता होगी आपको. वो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करेगा, नहीं, वो आपको दिख रहा है पड़ा है, वो सॉल्यूशन के साथ अच्छा मिक्स्ड होना चाहिए, डिसॉल्व्ड होना चाहिए, तभी हम मानते हैं कि वो सॉल्यूशन का पार्ट है. तो AgCl यहां सॉल्यूशन का पार्ट नहीं रहने वाला. मैं पहले इक्वेशन लिखता हूं, क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट पहले से था, आपने डाल दिया बेरियम क्लोराइड, अब ये बन जाएगा आपका सिल्वर क्लोराइड, और जो भी बेरियम और नाइट्रेट के आयंस हैं वो जैसे थे वैसे पड़े रहेंगे. बहुत तरीके हैं सॉल्व करने के, अपने अपने अंदाज में आप कर सकते हैं. बैलेंस वैलेंस भी करना जरूरी है, जी हाँ कर लीजिए, ये बैलेंस हो गया. अब बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है वो ये है, और फिर वाई को रिपोर्ट करना है. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस बताया है और फिर वाई को रिपोर्ट करना है. अच्छा, तो देखो पहली बात तो ये है, यहाँ गलती नहीं करना, जब सेम मोलैलिटी के इक्वल सॉल्यूशंस जब आप डालेंगे, और यहाँ वॉल्यूम जो है और मास जो है वो सेम ही है क्योंकि डेंसिटी 1 है. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मोलैलिटी और मोलैरिटी में बहुत फ़र्क यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि बता दिया है कि वॉल्यूम का डेंसिटी, सॉरी पानी का डेंसिटी वही है, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है उसमें, 1 ही है हमेशा. ठीक है, तो जब आप सेम वॉल्यूम के दो सॉल्यूशंस मिलाते हो तो दोनों ही सॉल्यूशंस में जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलैरिटी आधी हो जाती है. ठीक है, स्पष्ट है ये बात, नॉर्मल कंसंट्रेशन टर्म्स में पढ़ते हो. तो जब आपने मिला दिया इनको ना, तो ये एक्चुअली 0.05 मोलल हो गया, और ये भी 0.05 मोलल हो गया. क्लियर, अब रिएक्शन होगा अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री. आपको दिख रहा है कि ये डबल यूज हो जा रहा है, तो ये लिमिटिंग है, ये पूरा खत्म हो जाएगा, और ये स्टोइकियोमेट्री के अनुसार देखो ये खत्म होगा तो ये आधा यूज होगा, ये बचेगा 0.025, ये बचेगा. मोलैलिटी मान लो इसको, ठीक है, मोलैलिटी मान लो, मोल्स लेके क्या सॉल्व करना, वही बात तो है, सेम चलेगा सब, तो 0.025. अच्छा ये कितना बनेगा, जितना भी बने हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑल्दो ये इतना ही बनेगा, जितना ये खत्म हुआ ये उतना ही बनेगा, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये तो सॉल्यूशन के बाहर चला गया, सॉलिड है ये, आउट ऑफ सॉल्यूशन चला गया. वो कितना बनेगा, एक से एक बनता है, तो 0.025 से 0.025. अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, वांट ऑफ फैक्टर थोड़ा ढंग से यूज करना. ये बोल रहा है बेरियम क्लोराइड बचा हुआ है 0.025 और बेरियम नाइट्रेट बचा हुआ 0.025, वो उनकी उनकी मोलैरिटी दी हुई है. जब आप यहां डेल्टा टीबी लिखे तो थोड़ा समझ के लिखे, क्या करोगे, सबसे पहले केबी लिखोगे 0.5 इंटू आई इंटू एम,
तो आप दोनों के लिए अलग अलग लिख के ऐड करिए, सीधी सी बात है। बेरियम क्लोराइड की भी ये मोलालिटी है, तो बेरियम क्लोराइड का वांट ऑफ फैक्टर क्या होगा, पूरा टूट जाएगा, सॉल्यूबल है, पूरा टूट जाएगा, 3 होगा, ठीक है। और इसकी मोलालिटी है 0.025 प्लस। उधर बेरियम नाइट्रेट भी है। अच्छा, ये बेरियम आयन सेम है बेरियम के, बट अमाउंट आप समझिए इसकी वजह से, क्योंकि बेरियम का कुछ हुआ ही नहीं ना, अरे बेरियम जो पहले था वही है, ये तोड़ के दो बार लिखा जा रहा है बस, और कुछ नहीं। बेरियम बेरियम का कुछ नहीं हुआ है, नाइट्रेट का भी कुछ नहीं हुआ है, नाइट्रेट भी जितना था पहले वही है, बस जबरदस्ती मैं उसको तोड़ के लिख रहा हूँ। नाइट्रेट का भी कुछ नहीं हुआ है मेरे भाई, नाइट्रेट भी जो था ना वही पूरा नाइट्रेट है, नाइट्रेट का भी कुछ नहीं हुआ है, बट कंफ्यूजन ना हो इसलिए इस तरह से मैं लिख के बता दे रहा हूँ। आप ऐसे ही लिखिए 3 × अच्छा, इधर भी थोड़ा पार्ट बेरियम नाइट्रेट अच्छा लग रहा है, बट सोल्यूशन में उतना ही है, इसका कुछ नहीं हुआ है, बेरियम का भी कुछ नहीं हुआ, नाइट्रेट का भी कुछ नहीं हुआ, 0.05 है नाइट्रेट भी और बेरियम भी 0.05 ही है। अच्छा, देन आप अगर यहाँ देखें तो ये 0.025, 0.025, फाइन, ये आपका डेल्टा टी बी वैल्यू है। अब इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई यहीं कर देता हूँ, ठीक है। कितना आएगा ये पोर्शन, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये हो गया 0.075 एंड दिस इज ऑल्सो 0.075, हो गया ये 0.075, 0.075, 0.075 प्लस 0.075। अब उसके बाद फिर ये 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल से कैलकुलेशन से, कैलकुलेटर से मैं कर देता हूँ, 0.075 इंटू 2 विल बी 0.15 एंड देन इट विल बी डिवाइडेड बाई 2। सो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर, ये आ रहा है 0.15 दोनों को ऐड करके, और फिर अल्टीमेटली जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज एक्चुअली 0.075, अल्टीमेटली यही आ रहा है। अब वो एक्चुअली होता भी हाफ हाफ सीधे कट जाता तो 0.075 ही आता, कैलकुलेटर की जरूरत थी नहीं वैसे इसमें। सो दिस इज डेल्टा टी बी नाउ। लेकिन ये वाई क्या है, वाई तो दोनों का डिफरेंस है, वाई तो दोनों का डिफरेंस है। तो अभी क्या आ गया, देखो पहले डेल्टा टी बी क्या आया था फॉर सॉल्यूशन, या आपको मैं कहूं अगर सॉल्यूशन ए का बॉइलिंग पॉइंट क्या आया था, 100.1 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन बी का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, 100.075 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, आई होप मैग्नीट्यूड लिया होगा, ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव की बात तो नहीं है, तो ठीक है आप मैग्नीट्यूड ही लेकर कर दीजिए, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा 0.025 डिग्री सेल्सियस। ये आपका डिफरेंस है, दिस इज योर वाई। अच्छा, ये वाई तो नहीं है, अब इसको इस तरह से लिखना है, तो ये सब का भी ध्यान देना, 2.5 × 10^-2 °C। सो द रिपोर्टेड आंसर इज 2.5। एक्स निकालना काफी आसान था इसमें, बट वाई में थोड़ा दिमाग लगा है, इसलिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, वाई निकालना एक अच्छा क्वेश्चन है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर सेक्शन 2, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टेकिंग सेक्शन 3 विच इज वन और मोर देन वन करेक्ट। ये भी एक काफी बढ़िया पार्ट होता है जेईई एडवांस के पेपर का। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।